चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 4 मार्क्स में आता है हर साल हम सब में देख लीजिए 4 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस अब 10 को लिख सकते हैं क्या हम साइन स्क्वायर ए अपॉन यानी यहाँ ए मान लीजिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूला ही होता है यहाँ पर लिख दे यहाँ पर 10 का फॉर्मूला होता है क्या साइन ए अपॉन कॉस ए उतार दिया मैंने अपॉन यहाँ क्या होगा 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए तो क्या होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अब समझ में आया नहीं इसके नीचे 1 है ये जाएगा इसके पास जाएगा इसके पास एलसीएम लेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन टू कॉमन लिए एलसीएम लिया तो इसके पास गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे हम इसका एलसीएम लेंगे 1 इसके नीचे तो क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो इसके पास जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है तो यहाँ पर क्या होगा यू 1 होगा यू भी 1 हो जाए तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर अभी डिवाइड फॉर्म मेन फॉर्म ये तो है आपका ठीक है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर अपॉन 1 बढ़ नहीं सकते ना उसको हम तो इससे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर क्या हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 तो क्या होगा हमारा 10 स्क्वायर